भक्तिमय भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल भक्ति गंगा। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की। भक्तजनों, देव गजानन की अनेक अनेक गाथाएं आपने वेद पुराणों के माध्यम से पढ़ी व सुनी होंगी। सबसे प्रसिद्ध और पावन कथा है उनके जन्म की कथा, परंतु आज मैं आपको वो पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के पश्चात आपको ज्ञात हो जाएगा कि देव गजानन को प्रथम पूजनीय क्यों और किसने बनाया था। तो आइए सुनते हैं ये पावन कथा एक बार फिर सच्ची श्रद्धा से मेरे साथ मिलकर। बोलिए बोलिए गणपति बप्पा महाराज की। गजानन देव बड़े हैं महान, गजानन देव बड़े हैं महान, गजानन देव बड़े हैं महान, गजानन देव बड़े हैं महान। क्यों सबसे पहले लेते हैं, क्यों सबसे पहले लेते हैं श्री गणपत का नाम, श्री गणपत का नाम। गजानन देव बड़े हैं महान, गजानन देव, गजानन देव बड़े हैं महान, गजानन देव बड़े हैं महान। एक समय की बात है भक्तों, देव गजानन और बड़े भ्राता कार्तिकेय के मध्य यह विवाद छिड़ गया कि उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। यह प्रश्न लेकर वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और देवलोक में गए, परंतु कोई भी उनके इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। यहाँ तक कि इंद्रादि देवता भी सब हार गए, परंतु उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। और उन दोनों में यह विवाद था कि बढ़ता ही जाता था। अब आगे क्या होता है, आइए पावन कथा सुनाता हूँ भक्तों। ब्रह्मा जी के पास गए वो कुछ भी बता ना पाए थे, विष्णु जी के पास गए फिर वो कुछ ना बतलाए थे। देवी देवता भी सब सारे देखो भक्तों हार गए, तुम दोनों में कौन श्रेष्ठ है कुछ भी वो बतला न सके। पास किसी के नहीं था भक्तों, पास किसी के नहीं था भक्तों, प्रश्नों का समाधान, प्रश्नों का समाधान। गजानन देव बड़े हैं महान, गजानन देव बड़े हैं महान, गजानन देव बड़े हैं महान, गजानन देव बड़े हैं महान। सभी देवी देवता अब सोच में आ गए थे भक्तों कि इन दोनों में से भला श्रेष्ठ कौन है और कौन नहीं। तभी देव ऋषि नारद ने एक उपाय सुझाया कि संतानों को सबसे अधिक अच्छे से तो उनके माता पिता ही जानते हैं। फिर उन्होंने दोनों को यह सुझाया कि क्यों ना आप दोनों अपने माता पिता अर्थात भगवान शिव और माँ गौरा के पास जाएं और उन्हीं से यह प्रश्न पूछें, वो ही आप दोनों के इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। दोनों भाइयों को यह बात जच गई, दोनों दौड़कर
माता पिता की शरण में गए और अपने प्रश्नों को दोहरा दिया। माता पिता ने इस प्रश्न को सुना तो मंद मंद मुस्काते हुए दोनों को समझाने लगे। मात पिता के पास गए और वही प्रश्न थे दोहराए। प्रश्न सुना दोनों ने शिव और गौरा देखो मुस्काए। हंसते हंसते बोले दोनों, दोनों आंख के तारे हो तुम, दोनों संतान हमारी, दोनों हमको प्यारे हो तुम, दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हो, तुम दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हो। बात मेरी लो जान, बात मेरी लो जान, गजानन देव बड़े हैं महान, गजानन देव बड़े गजानन देव बड़े हैं महान, गजानन देव बड़े हैं महान। इतना सुनकर भी दोनों भाई संतुष्ट नहीं हुए। दोनों ने मैया गौरा के चरण पकड़ लिए और बोले, हे माँ, हमारी बातों को उपहास में मत उड़ाओ और पिताजी से कहो कि वो हमारी इस शंका का समाधान करें। अब भगवान शिव और माँ पार्वती को भी ज्ञात हो गया कि दोनों भाइयों के मध्य तो सच में ही विवाद हो गया है। तब भगवान शिव ने समाधान बताया कि तुम दोनों में से जो भी पहले इस सृष्टि की सात प्रदक्षिणा करके वापस आएगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय ने जैसे ही सुना अपने मयूर पर सवार हुए और उड़ चले सृष्टि की प्रदक्षिणा लगाने। और इधर देव गजानन छोटे से मूसे पर बैठकर सोच रहे हैं कि भाई का मुकाबला कैसे करूं, कि तभी उन्हें एक उपाय सूझा। मात पिता से बढ़कर कोई दूजा नहीं संसार में, मेरी सृष्टि मात पिता के चरणों के है प्यार में। माता पिता को साथ बिठाया, साथ प्रदक्षिणा ले ली थी, चरणों में फिर शीश नवाया, चरणों की कृपा ले ली थी। जीत गए तुम देव गजानन, जीत गए तुम देव गजानन, बोले शिव भगवान, बोले शिव भगवान, गजानन देव बड़े हैं महान, गजानन देव बड़े हैं महान, गजानन देव बड़े हैं महान, गजानन देव बड़े हैं महान। श्री गणेश की मात्र पितृ भक्ति देखकर भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें विजेता घोषित कर उन्हें प्रथम पूजनीय होने का वरदान दे डाला। उधर कार्तिकेय जब पृथ्वी की सात प्रदक्षिणा कर वापस आए तो गजानन को विजेता के रूप में पाया, और जब सारा सत्य जाना तो माता पिता से रुष्ट होकर दक्षिण दिशा की ओर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। तो भक्तों, इस तरह माता पिता के चरणों की प्रदक्षिणा कर भगवान श्री गणेश ने भगवान शिव से और माँ गौरा से प्रथम पूजनीय होने का वरदान पाया। एक बार फिर बोलिए, प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की। शिव जी के वरदान से गणपत प्रथम पूजनीय बन आए। सबसे पहले नाम आपका सारे भक्ता मिल गाए,
आरती चालीसा गाते हैं, चंदन तिलक लगाते हैं। प्रथम पूज श्री गणपत को हम हर पल भक्तों ध्याते हैं। देव गजानन सबसे पावन, देव गजानन सबसे पावन, पावन इनका नाम, पावन इनका नाम। गजानन देव बड़े महान, गजानन देव बड़े महान, गजानन देव बड़े हैं महान, गजानन देव बड़े हैं महान।